खद्दर और खाकी का गठजोड़ हमेशा से दिखता आया है, लेकिन उन्नाव में तो हद ही हो गई। विधायक समर्थकों ने एक ट्रैफिक सिपाही को गाड़ी की फोटो खींचने पर भरे बाजार बेइज्जत कर दिया। खद्दरधारी उसे कोतवाली ले गए और वहां उसे खरी खोटी सुनाई। सिपाही रोता रहा, फरियाद सुनाता रहा, लेकिन अधिकारी नेताओं को ही सुनते रहे। बाद में पुलिस के अधिकारी एक्शन में तब आए जब कोतवाली में रोते सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोतवाली थाने में रोते हुए अपनी तकलीफ बयां कर रहा ये ट्रैफिक पुलिस का सिपाही है, जो अपने ही विभाग के सामने अपनी बेइज्जती पर फूट फूट कर रो रहा है और वर्दी वाले खद्दरधारियों के बजाय अपने सिपाही से ही सवाल जवाब कर रहे हैं। ये सही है, ये लोग लेकिन हम लोग भी पुलिस। इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभानी चाहिए। दरअसल मंगलवार 17 मई को उन्नाव के गांधीनगर तिराहे पर यह सिपाही तैनात था। शाम के समय बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला के समर्थक हूटर और बीजेपी के झंडे लगी गाड़ी से चौराहे से गुजर रहे थे। ट्रैफिक सिपाही ने कानून तोड़ती इस गाड़ी का फोटो खींच लिया, जिसके बाद विधायक के समर्थकों ने सत्ता की हनक दिखाते हुए सिपाही से बदतमीजी की। विधायक के समर्थक सिपाही को कोतवाली ले गए। कोतवाली में पुलिस अफसर के सामने ही सफेदपोश नेताओं ने ट्रैफिक सिपाही को उसकी ईमानदारी के लिए सबक सिखाना चाहा। ट्रैफिक सिपाही को उसकी औकात बताने लगे और हैरत की बात ये कि पुलिस भी अपने सिपाही का साथ नहीं दे पाई। सिपाही रोता भी लगता रहा। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस की बड़ी फजीहत हुई। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने इस मुद्दे पर पुलिस और बीजेपी को घेरना चाहा, ट्वीट के जरिए सवाल जवाब किए, तब कहीं जाकर एएसपी ने कार्रवाई की बात कही। उन्नाव शहर के अचलगंज चौराहे के पास एक वाहन गलत तरीके से पार्क खड़ा किया गया था, जिससे जाम की स्थिति पैदा हुई थी। जब ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल द्वारा इसके ऊपर उनको गाड़ी अपने किनारे करने के लिए बताया गया, उस समय जो उसमें सवार थे उन व्यक्तियों के द्वारा कांस्टेबल से अभद्र व्यवहार किया गया, सरकारी कार्य में बाधा डाला गया। इस घटना को लेकर के कोतवाली थाने में FIR दर्ज किया गया है, जिसमें रंजन मिश्रा और पंकज दीक्षित इत्यादि नामजद हैं। इस पूरी घटना में विवेचना करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव की यह तस्वीर खादी और खाकी के गठजोड़ को दिखाती है और बताती है कि सत्ता की हनक से दबकर खाकी अपनों की आवाज को भी अनसुना कर देती है। उन्नाव के SP दिनेश त्रिपाठी ने COCT को जांच के आदेश दिए हैं। SP के आदेश पर रजन्ना मिश्रा, संदीप पांडे, पंकज दीक्षित और 3 अज्ञात के खिलाफ ट्रैफिक सिपाही की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है और सरकारी कार्य में बाधा डालने, बलवा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टीम न्यूज़ स्टेट।